Hi. Good morning, everybody. I hope you will be okay after the Christmas. देखो भाई, सब ओड या पहले हमने जो पढ़ा था वह टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बताया था मैंने। आज फिर उसके आगे से थोड़ा सा रीजन भी करेंगे और कुछ उसके एग्जांपल टाइप्स और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे पहले था ओड इन फेवरेबल ऑफ एन इवेंट, एक होता है क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ केस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस। ओड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केस। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है जिसमें मतलब प्रोबेबिलिटी में ये सिंपल फॉर्मूला पड़ता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका जो है इससे से डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी आती है। इसमें जो है दो प्रोबेबिलिटी है ओड इन फेवरेबल ओड अगेंस्ट ऑफ एन फेवरेबल, इनके दोनों का स्पेशल दोनों का फॉर्मूले ये हैं, दोनों का बिल्कुल ये रटने हैं। ये याद करने का क्या तरीका है, अगर ऊपर फेवरेबल आ जाए ओड इन फेवरेबल तो ऊपर भी जो है फेवरेबल आता है, अगर अगेंस्ट आ जाए क्या आ जाए अगेंस्ट आ जाए तो ऊपर अनफेवरेबल तो ऊपर भी अनफेवरेबल आता है, फिर नीचे इसका उल्टा, ऊपर फेवरेबल है तो नीचे अनफेवरेबल है, ऊपर अनफेवरेबल है तो नीचे अनफेवरेबल है। ठीक, तो ये दोनों स्पेशल क्या है के ऊपर एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट द ए पेयर ऑफ डाइस ऑफ रोल्ड फाइंड द ऑड अगेंस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी Find the probability odd against more than nine। एक सवाल क्या है, ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड है, उसकी क्या करनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, किससे निकालनी है कि जो आउटकम है वो आ जाए अगेंस्ट मोर देन नाइन, नाइन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाए तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए पेयर ऑफ डाइस odds रोल फाइंड का ओर्स अगेंस्ट और अगेंस्ट ओर्स अगेंस्ट में कौन सा फॉर्म लेगा, ये वाला लेगा। क्या क्या चाहता है इसमें, नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल। अच्छा जी, देखो क्या है इसमें, जो दो पेयर ऑफ डाइस हैं पहले ही बताया था, दो पेयर ऑफ डाइस में कितने होते हैं टोटल नंबर आउटकम कितने आ जाती हैं, टोटल आउटकम कितने आ जाते हैं 36 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। ठीक, अच्छा अब क्या सम जो आना चाहिए मोर देन 9, सम करना चाहिए कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए मोर देन 9, कितना चाहिए सम जो है मोर देन 9, सम द गेम्स सम मोर देन 9, सम यानी सम जो होना चाहिए अगेंस्ट टोटल जो है मोर देन, या टोटल लिख ले या सम लिख लो टोटल क्या है मोर देन नाइन आना चाहिए। तो फेवरेबल कितना आ गया भाई इसमें, फेवरेबल केस कितना आ गया भाई, एक तो 36 आ सकता है, एक 63 आ सकता है,
नहीं, फोर मोर देन नाइन, मोर देन नाइन, मोर देन नाइन क्या आ जाएगा, सिक्स फोर, फोर सिक्स, और क्या आ जा सकता है, फाइव सिक्स, सिक्स फाइव, और क्या आ सकता है, फाइव फाइव और सिक्स सिक्स, कितना आ सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, कितना आता है मोर देन, ये तो हो सकता है छः आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, टोटल जो आउटकम है कितना आ गए, सिक्स की पावर टू इज इक्वल टू 36, फेवरेबल कितना आ गए, मोर देन नाइन, सिक्स फोर आ सकता है, फोर सिक्स आता है, फाइव सिक्स, सिक्स फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स सिक्स, और अनफेवरेबल कितना आ गया भैया, कितना आ गए, अनफेवरेबल क्या आ गया है, अनफेवरेबल कितना आ गया भैया, 36 माइनस सिक्स इक्वल टू 30, कितना आ गया, 36 माइनस सिक्स कितना आ गया, 36, अच्छा तो फॉर्मूला क्या आ गया, ओड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ओड क्या आ गया, क्या निकालना है, ओड अगेंस्ट क्या निकालना है भैया, ओड अगेंस्ट क्या निकालना है, ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट, ये फॉर्मूला होता है ओड एन, ओड एन अगेंस्ट, क्या फॉर्मूला होता है, क्या आ गया, नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या हो गया, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल कितने हैं, ये दे 30 अपॉन 6, तो क्या आ गया, 6 वन द 6, 6 5 द 30, क्या आ गया, क्या आ गया, 5 अपॉन क्या आ गया, 5 रेशो 1 आ गया, ये रेशो होती है, ये प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल ऑन इवेंट अनफेवरेबल, वैसे तो प्रोबेबिलिटी की बताई थी मैंने यार, प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए 0 to 1, लेकिन जो ये इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगेंस्ट और फेवरेबली, इसका आंसर हमेशा जो है कहम आएगा, ये रेशियो आएगा, कहम आएगा आंसर, ये हमेशा रेशियो आएगा, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, आगे बढ़े, तो फिर ये है जो जो इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी है रेशियो वाली, इसको एज इट इज फॉर्मूले इसको जो है याद करना है, क्या है, ओड इन फेवरेबल ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन, इसका आंसर जो है रेशियो में आएगा, ठीक है, आगे बढ़े भाई, इसको उतार लो, एडिशन थ्योरम, अब क्या है एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम क्या होती है, एडिशन थ्योरम भाई एक टाइप है प्रोबेबिलिटी के, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, एडिशन थ्योरम क्या होती है, इससे पहले जो है एडिशन थ्योरम से पहले दो चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट हो, अगर क्या है, वी हैव टू इवेंट, वी हैव टू इवेंट ए एंड बी, इफ वी हैव टू इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी, देर इज नो कॉमन, देर इज नो कॉमन, इफ कॉल्ड टू, तो क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, जैसे मान लो एक हम डाइस थ्रो करते हैं, उसमें ओड आ जाए या इवन आ जाए, दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या आ गया, A intersection B is equal to 5. एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट
ईवो ऑफ इवेंट क्या होती है भैया, अगर ए और बी दो इवेंट है, इफ वी हैव ईवो ऑफ इवेंट इफ ए एंड बी आर टू इवेंट इन विच ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू वन, इन विच ए यूनियन बी द ऑल द सैंपल स्पेस, ऑल द सैंपल स्पेस, और वी कैन से ऑल द सैंपल स्पेस, ऑल द सैंपल स्पेस, ये कहते हैं वी कैन से ए ऑल द सैंपल स्पेस, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू वन ए या ए यूनियन बी इक्वल टू एस, एस मीन्स ऑल सैंपल स्पेस, इफ वी हैव नो कॉमन ए एंड बी इन द इवेंट इज कॉल्ड टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इज कॉल्ड टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, इफ वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड टू द एग्जिस्टिंग इवेंट, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग इवेंट इन इन ए डाइस इफ वी हैव इज ए ऑल ऑल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 इन सच दैट दैट इज कॉल्ड टू द एग्जिस्टिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 वी हैव इज कॉल्ड टू द एग्जिस्टिव इवेंट एंड इफ इफ गिवन एग्जाम्पल अर्लियरली इफ वी हैव नो कॉमन ए एंड बी इज कॉल टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर ए डाइस टू कम इवन और ऑड नंबर दैट इज सच दैट टाइप आर कॉल टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक ओके To start for the addition problem, it is simple as a you know into 10th OLM standard as a set theory. The set theory is such that if we have two when or if A and B, if kya hai? A and B, that is called to the A and that is called to the B, that is. Is called to the A intersection B. For such that in set theorem we have reading N A union B is equal to N A plus N B minus N A intersection B. Earlier we have read in set theory N A union B is equal to N A plus number N B. N A means number of element in A union B, number of element in A set, number of in set B, N A intersection B, number of element common. In A is set here, B is set here, and it's equal to the common. If we have total space, total simple space, if we divided NS, total number of space. Yeah, total number of come in both sides we have N A union B upon N S is equal to N A upon N S N B upon N S minus N A intersection B upon N S in which we have it is the simple probability formula that favorable outcome upon total outcome is between N A union B. N A union B such that the number of element of A favorable upon total number of element. Similarly, number of element B upon total and the and same is also. It is called to the equal A union B upon is equal to P A union B is called to the P A union B is equal to P A plus P B minus P A intersection B that is called with P A union B is equal to P A plus P B minus P A intersection B
सेम दैट इज कॉल्ड टू द पी ए. पी ए मीन्स दैट इज ए. इट इज पी ए दैट इज एरिया इज कॉल्ड टू द पी ए. पी वी दैट इज कॉल्ड टू द सच दैट इज टाइप. ये पी वी ये एरिया है. ये पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज कॉमन. दैट इज ये पी ए इंटरसेक्शन बी. वी हैव इन विच फिगर वी हैव सीन दैट पी ए इंटरसेक्शन बी रिपीटेड टू टाइम्स. फर्स्ट इज एरिया ऑफ पी ए दैट एंड दैट इज पी बी. पी बी ठीक. तो यही है कि सारा पी ए यूनियन बी में से, इसीलिए जो एक बार का एरिया जो है ये घटा दिया पी ए यूनियन बी, क्योंकि पी ए यूनियन बी दो बार आ रहा है. तो दैट इज पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए. पी ए ये पी बी ये पी ए यूनियन बी. पी ए का भी एक बार रिपीट हो रहा है थोड़ा हिस्सा, और पी बी का भी सेम हिस्सा. तो इसमें से एक हिस्सा घटा दिया, ये दो बार रिपीट हो रहा है. ये एक तो पी ए का यूरा इधर क्या गया है, पी बी का है ये. तो पी ए इंटरसेक्शन का हिस्सा घटा दे. पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या रहेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन सी. दैट इज कॉल्ड इज एरिया इज ओनली पी ए. ओनली पी ए सिमिलरली दैट इज कॉल्ड एरिया ओनली पी बी. ओनली दैट इज कॉल्ड एरिया इज ओनली पी ए. ओनली पी ए. ओनली पी ए एंड दैट इज कॉल्ड एरिया विच इज नॉट पी ए एंड नॉट पी बी. नॉट पी ए एंड नॉट पी बी. नॉट ये एरिया जो कहलाता है, जो पी ए और पी बी मैंने ये एरिया कहलाता है, ये इतना सा एरिया ही है. ये बाउंडेड जो ये शेडेड एरिया है ये होता है नॉट पी बी. और ये इधर का क्या कहलाता है, नॉट पी ए. और ये बीच का क्या कहलाता है, कॉमन एरिया. और सारा जो है ये कहता है पी ए यूनियन बी. और ये जो इस बाहर का एरिया है ये क्या कहलाता है, नॉट नॉट पी ए यूनियन बी. नॉट पी ए एंड नॉट पी बी. ठीक है भाई. अच्छा पी ए मिला द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग ए इवेंट ए. पी बी द प्रोबेबिलिटी अकर बी. पी ए इंटरसेक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यही आगे पी ए यूनियन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. दैट इज सिंपल मीनिंग. जैसे सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एज इट इज है. ठीक है भाई, बताओ दूँ रब कर दूँ उसको. ठीक है, अब अगर सेम आ जाए कि एग्जैक्टली वन इवेंट इन अकर. अगर क्या आ जाएगा, अगर एग्जैक्टली वन इवेंट इन अकर क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला क्या आता है, पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी. एग्जैक्टली वन इवेंट इन अकर पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी. ये टोटल एरिया ये घटा दो, ए ही वन इवेंट. यानी ये तो ए हो जाए या बी हो जाए कर. तो इसमें से ये जो टोटल एरिया ये दो बार आ रहा है, इसको घटा तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आता है, एग्जैक्टली वन इवेंट इज अकर क्या आ जाता है, पी ए क्या आ जाता है, पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी इंटरसेक्शन सी. अब क्या है, ओनली अब क्या है, ओनली ए अकर. ओनली ए अकर. तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ एक ही हो जाए, सिर्फ ए हो जाए. यानी इस पूरे टोटल में से जो ये पूरा टोटल है, ये प्रोबेबिलिटी का ये पी ए वाला, इसमें से ये एरिया घटा दिया जाए, ये एरिया घटा दिया. तो यही जो बताता ओनली ए कर ओनली ए कर ओनली
एकर, ये वाला इट इज कॉल्ड ओनली एकर, ओनली एकर, ये ओनली ए अकर, ओनली ए अकर, अच्छा। अब मैंने भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्टिव होगी, अगर ऑब्जेक्टिव होगी तो क्या आ जाएगा, ये पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये पोलरिटी का यहाँ तक बात नहीं होगा, ये दोनों फॉर्मूले पहले ही रट लेना होगा। अगर एग्जैक्टली वन इवेंट अकर हो तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी इंटरसेक्शन बी, और ओनली ए अकर हो जाता है क्या है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, अब अभी मैंने बताया था आपको ये, जैसे मान लिया पी ए यूनियन बी है, ये सारी है पी ए यूनियन बी है, तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगी भैया, जैसे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन एस, ये तो बराबर बताया था मैंने, और एन ए यूनियन बी क्या है, सारी टोटल सैंपल स्पेस एन एस के बराबर है, ये एन एस अपॉन एन एस, एन एस अपॉन एन एस, एन एस से एन एस क्या आ जाएगा वन, तो ये क्या आ जाएगी, ये क्या जाएगी ऑब्जेक्टिव इवेंट, क्या जाएगी सॉरी क्या जाएगी, अगर पी ए यूनियन बी इक्वल टू वन आ जाए तो क्या जाएगी ऑब्जेक्टिव इवेंट आ जाएगी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू, क्योंकि एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, टोटल सैंपल स्पेस, तो टोटल सैंपल जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो एन एफ के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, पी तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी इक्वल टू बोन एन एफ, एन ए यूनियन बी क्या इक्वल एन एफ, एन एफ से एन एफ के जगह क्या आ गया वन। ठीक है भाई, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है भाई, फोर पर्सन इंडिपेंडेंटली सोल्व है कंटेन प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंटली फोर पर्सन इंडिपेंडेंटली कंटेन सोल्व ए प्रॉब्लम, सोल्व ए प्रॉब्लम क्या है, चार पर्सन है वो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सोल्व ए प्रॉब्लम विद द प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/4, 1/4, 1/8, 1/2, 3/4 क्या क्या है, देखो 4% इंडिपेंडेंटली सोल्व ए प्रॉब्लम 1/2, 3/4, 1/4 and 1/8 4% है कोई वो सोल्व, कोई सॉल्यूशन, कोई सोल्व प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/4, 1/3 What is the probability that
question will be solved at least one of them. क्या प्रायोरिटी होगी कि क्या क्वेश्चन जो है देखो चार पर्सन है उनकी जो एक सॉल्यूशन है सोल्व करने की उनकी प्रायोरिटी है पहले की 1/2 है 3/4 है 1/4 है एंड 1/8 है क्या प्रोबेबिलिटी होगी उनकी एटलीस्ट वन ऑफ देम उनमें से कम से कम एक जो है क्वेश्चन को सोल्व कर ले कम से कम एक क्वेश्चन को क्या चांसेस होंगे क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर कहीं भी एटलीस्ट आ जाए बिना देखे ही उसका अंक हमेशा एक फॉर्म लगा देना ये आप पे आ गया है एटलीस्ट बिल्कुल सीधा फॉर्म पर बगैर कुछ सोचे समझे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम जब भी आ जाए एक सीधा सा फॉर्मूला इसमें क्या लगा लेना है तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट टोटल नंबर माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट क्या था टोटल माइनस क्या बताया था मैंने प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ टोटल जितने भी टोटल सॉल्यूशन जो टोटल मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं अगर कहीं भी एट लीस्ट आ जाए कहीं भी क्या आ जाए नो सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन माइनस नंबर ऑफ नो सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन ना हो देखो कोई भी सॉल्यूशन का मतलब टोटल कितने सॉल्यूशन है इस सवाल के एक सवाल है उसके टोटल सॉल्यूशन क्या होंगे एक माइनस अगर कहीं भी प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट आ जाए तो टोटल सॉल्यूशन में से माइनस के नो सॉल्यूशन घटा दो टोटल सॉल्यूशन में से क्या घटा दो माइनस के नो सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन का मतलब ना एक में सॉल्यूशन हो ना दो में सॉल्यूशन हो ना एंड यानी एंड की आ रही तो अगर एंड आया पहले ही बताया था मैंने तो क्या आता है मल्टीप्लाई ना तो ए सोल्व कर सके ना बी सोल्व कर सके ना सी एंड ही हो तो एंड में क्या आता है नो अच्छा ए के प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मैंने पहले ही बताया था कि यानी PE = PE + P'E = 1 यानी कि 1 में से क्या कर देते हैं सो घटा देते हैं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी है 1/2 ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/2 ए की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और एक की ना प्रोब करने की सोल्व करने की होगी 1 - 1/2 बी की 1 - 3/4 सी की 1 - 1/4 एंड 8 डी की 1 - 1/8 तो क्या जाएंगे 1 - 1/2 क्या आएगा 1 - 3/4 ये क्या आएगी 1 - 1/4 एंड 1 - 1/8 ठीक है भाई देखो आई बात इनमें यानी कि नो सॉल्यूशन यानी कि ना तो ए का एंड बी का कोई भी सॉल्यूशन हो तो क्या आएगा सोल्व करके 1 - फिर सोल्व करना थोड़ा सोल्व करेंगे 2 × 2 1/2 1/2 × 4 × 4 4 × 3 1/4 ठीक 3/4 × 7/8 ठीक इसके ऊपर ही कर देंगे क्या आ जाएगा 1 - 1 1 1 3 3 7 कितना आ गया 3 7 का कितना आ गया भैया 21 1 1 1 1 3 3 7 21 अपॉन ये कितना आ गया 2 4 8 8 4 32 ये इसका ये कर लेंगे क्या आ जाएगा 256 - 21 / 256 ये क्या आ गया भैया 6 में से 1 जाके
5 में 2 जाके 3, 235 अपॉन 256। यार टू हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट 256। अगर कहीं भी देखो क्या सवाल था, ये सवाल था कि 4% है, 4% में से कोई एक प्रॉब्लम सोल्व करने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, पहले की जो है 1/2 है, दूसरे की 3/4 है, तीसरे की 1/4 है, चौथी की है 1/8, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, जहाँ भी एटलीस्ट आ जाएगा सीधा सा फॉर्म लिया प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ना आंखें मीच के तो भाई लाट ही लग गई, अगर ये मिल जाए कहीं भी तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी बिना कुछ सोचे समझे प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में रिपीट हुआ हुआ है, क्या है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट क्या जाएगा टोटल सोल्यूशन माइनस नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्या जाएगा ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट में टोटल सोल्यूशन माइनस के नंबर ऑफ सोल्यूशन। कोई सवाल है उसके क्वेश्चन के सोल्व होने की टोटल क्या प्रायोरिटी है, वन होती एक ही बार ठीक होगा तो वन आ गई माइनस, नो सॉल्यूशन उनमें से कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि एक भी नहीं सोल्व कर सके, बी भी नहीं सी भी नहीं, ये सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ना होने की क्या आएगा वन में से घटा दो, फॉर्मूला बताया था अभी मैंने पीछे भी बताया था पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू वन, तो इधर आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे पी डैश ई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से वन माइनस पी ई, यानी कि वन में से क्या कर दो उसको घटा दो माइनस ई आ जाती है प्रोबेबिलिटी, तो वन माइनस 1/2 ये क्या आ जाएगा 1-3/4, ये क्या आ जाएगा 1-1/4 और 1-1/8, इनमें से जो इसकी जो फीलिंग आ रही है जो इसकी सेंस आ रही है इसमें से क्या है एक भी सोल्व करते हैं एंड बी भी ने सोल्व करे एंड सी भी ने एंड डी भी ने एंड भी, अगर एंड की जो फीलिंग आ रही है एंड की अगर सेंस आती है तो क्या होता है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन है मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन होता ही है, और की आती है क्या आती है या की आती है तो इनके बीच में क्या का निशान आता है प्लस का सम का, तो इसी तरह से हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे इसे फिर इसे सॉल्यूशन कर लेंगे, तो क्या आ गया 235.236, ठीक है 235.250, ठीक है ओके। ठीक है भाई देखो मिटो रब कर दो उसको भाई, टू डाइक आर थ्रोन, ए डाइक आर थ्रोन, ए डाइक आर थ्रोन, ए डाइक आर थ्रोन क्वेश्चन है ये, ए डाइक आर थ्रोन ए इज द प्रोबेबिलिटी, ए इज द प्रोबेबिलिटी टू बी कम ग्रेटर देन थ्री, एंड बी 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 इज द प्रोबेबिलिटी
कम लेस देन फाइव टू बी कम लेस देन फाइव देन ए यूनियन बी विल बी ए यूनियन बी क्या होगा भाई एक डाई ने एक डाई से उसको थ्रो करा है क्या थ्रो करा है कि उसमें जो है जो ए की जो जो ए की प्रोबेबिलिटी है जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है इज ग्रेटर देन ए और जो बी की है जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है वो है मोर देन फाइव पांच से लेस देन फाइव पांच से कम है ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है तीन से बड़ी और बी की जो है लेस देन फाइव है क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ए यूनियन बी विल बी कितना होगा तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया भैया ए क्या है ग्रेटर देन थ्री क्या हो सकता है फोर फाइव सिक्स बी कितना आ सकता है बी कितना है भाई लेस देन फाइव का मतलब वन टू थ्री एंड फोर अगर ए की प्रायोरिटी क्या आ जाएगी है पी ए कितना जाएगा ये भैया एक दो तीन फेवरेबल तीन है टोटल है 3/6 इज इक्वल टू 1/2 ठीक ये कितना जाएगा पी भी टोटल किसकी भी 6 है ये कितना जाएगा 4/6 तो 2/3 अब इसका हमें कैलकुलेट करना है पी ए यूनियन बी कैलकुलेट क्या करना है पी ए यूनियन बी क्या हमें कैलकुलेट करना है पी ए यूनियन बी अच्छा ये इसमें से ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा भैया इन दोनों से ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा इन दोनों में क्या कॉमन है क्या कॉमन है इन दोनों में भैया चार कॉमन है फिर क्या कॉमन है चार ये यूनियन बी ए और बी में जो तो ए और बी में जो कॉमन होगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है सिर्फ ओनली ये वाला कॉमन है ये वाले चार ये कॉमन है तो ये चार हो गया कितने एलिमेंट है एक पी इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 1/6 अब फॉर्मूला क्या आ गया पी ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया पी ए फॉर्मूला भी बताया इनकी सबकी वैल्यू रख दूंगा पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 पी बी की वैल्यू कितनी है 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/6 इनका जो है एलसीएम ले लूँगा 6 2 3 6 3 1 3 3 2 6 2 2 4 माइनस के 1/6 4 3 कितना आ गया 4 3 7 7 माइनस 1 6/6 इक्वल टू 1 ये तो एक फॉर्मूले से मैंने प्रूव कर फॉर्मूले से आ गया है पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या निकालना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी पी ए की वैल्यू 1/2 रखी पी बी की वैल्यू 2/3 रखी पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या रखी 1/6 ठीक है फिर इन दोनों को सोल्व कर लूँगा फिर इन दोनों को क्या करा मैंने सोल्व करा इन्हें दोनों को जोड़ दे फिर घटा दे क्या आ गया 1 अच्छा अगर मैं इसको सेट थ्योरी से वैसे भी अगर प्रूव करना चाहूँ तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा नहीं ए यूनियन बी सॉरी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा भाई ए यूनियन बी क्या आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा इसमें सारा लिख लेंगे ए और बी के दोनों एलिमेंट जो एक एक बार हैं एक भी है दो भी है तीन भी है चार दोनों मतलब तो एक ही बार लिख लूँगा 4 5 6 तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी किसी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी
टोटल, टोटल कितने आउटकम आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और अपॉन क्या आएगा टोटल, टोटल छः फेवरेबिलिटी की छः, ये टोटल भी छः है और उसके फेवरेबिलिटी, क्योंकि डाइट में जो है छः ही आ सकते हैं, वन टू थ्री फोर सिक्स, तो छः पॉइंट छः सिक्स सिक्स क्या आ गया, वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। देखो ये इस फॉर्मूले से भी क्या आ गया, वन आ गया, और दूसरे से भी क्या आ गया, इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे सेट थ्योरी से, और डायरेक्ट इसका कोई अगर क्वेश्चन है इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। इसी तरह से क्या आ जाते हैं पी ए यू पी ए इंटर, पहले जो ए और बी है इसमें, फिर सेट थ्योरी से ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एलिमेंट है, यूनियन का मतलब जो सारे लिख लेते हैं एक ही बार आते हैं, जैसे ये जो दो बार कॉमन है ये वो भी एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। ये आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सेम वी सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव द सेम वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला एंड द बाय द सेट थ्योरी, ठीक ठीक है ओके। इसको उतार लो भैया, फिर रब करते हैं। देखो भाई अभी एक सवाल है, ये भी आईआईटी जेई में रिपीट होता है क्वेश्चन। ये दो दोस्त हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, एपियर्ड in an exam in an examination. Ram is probability, Ram probability 2 qualify exam is श्याम क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज, श्याम प्रोबेबिलिटी टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन इज 0.5 and both of them qualify the examination, qualify the examination is
0.02. फाइंड बताओ क्या बताना है. बोथ नॉट क्वालिफाई नंबर एक है. बोथ नॉट क्वालिफाई बी क्या है. एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई. सी क्या है. ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई. ओनली ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई. देखो भाई क्वेश्चन क्या है. पहले तो उतार लो पहले क्वेश्चन एक बार. ठीक है भाई. राम और श्याम दो दोस्त. राम और श्याम दो दोस्त थे. ये सोचो यार राम और श्याम दोस्त जॉइंट है. वो एक एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं. राम की जो प्रोबेबिलिटी है किसी एग्जामिनेशन की क्वालिफाई की कितने 0.05. श्याम की प्रोबेबिलिटी है किसी भी एग्जामिनेशन की वो कितनी है 0.10 है. और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है फोल होने की किसी भी एग्जाम की वो क्या है 0.02 है. तो दोनों की है कि बोथ नॉट क्वालिफाई की दोनों क्वालिफाई ना कर सकें. दोनों क्या ना कर सकें. दोनों जो है एटलीस्ट दोनों क्या ना कर सकें भाई क्वालिफाई ना कर सकें. तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों जो है क्वालिफाई ना कर सकें उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. देखो भाई जैसे ये एक इसके इससे ग्राफ से वेन डायग्राम से समझ लेंगे. ये तो ए है. ये कितनी है. ये बी है. ये ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05. ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ये तो ए है. ये बी है. ये क्या है दोनों का ए इंटरसेक्शन बी है. ए की प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05. इसकी यानी ए की जो प्रोबेबिलिटी है सोल्व करने की यह है 0.05. बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सोल्व करने की कितनी है 0.10 ही है. बी कितनी है 0.10. और जो दोनों की जो सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम और दोनों की जो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है यह है 0 की जो है छोटी सी बीच की 0.02. अब क्या कह रहा है. पहला सवाल है बोथ नॉट क्वालिफाई कि दोनों जो है क्वालिफाई ना कर सकें. दोनों क्वालिफाई ना कर सकें. अच्छा भाई दोनों क्वालिफाई ना कर सकें तो क्या होगा भैया. देखो भाई अगर ये देखो ये सारी देखो हट के फिर वही है कि ये सारा है. ये सारा ए की प्रोबेबिलिटी है पी ए. ठीक. अच्छा ये सारी की क्या है. ये सारी की किसकी प्रोबेबिलिटी है पी बी की. अब इसमें देखो इसमें ये कॉमन आ रहा है. ये कॉमन आ रहा है. इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटी तो है ये पी ए की. सारी क्या प्रोबेबिलिटी है ये पी ए की. ये सोल होने की प्रोबेबिलिटी है.
और इसमें 0.02 इन दोनों की ये इतने से कॉमन किया है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ब्लैंक है, ये सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी है ये पी ए की है कि ओनली पी ए सोल द क्वेश्चन। सिमिलरली इन दिस हेयर भी है, इसमें जो पी बी है ये ब्लैंक स्पेस दिखा रहा है, ये दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली पी बी सोल द क्वेश्चन। पी बी इज द ओनली प्रोबेबिलिटी दैट द विल हैव टू द सोल द क्वेश्चन, बट इट इज होल सर्किल इज शो दैट द पी बी द सोल क्वेश्चन इन दिस इंक्लूड ए सम पार्ट ऑफ ए कि ए भी सोल्व करेगा क्वेश्चन को, इन दैट इज कॉल्ड। अच्छा द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए द सोल्यूशन कितनी है, पी ए 0.05, ये कितनी है 0.02, तो ओनली पी ए सोल्यूशन ओनली लिखेंगे ओनली आंसर है ओनली पी ए सोल्व क्वेश्चन। सिर्फ पी ए सर कितनी है 0.05 माइनस, इसमें क्या माइनस कर दिया 0.02, क्या आ गया 0.03, ये क्या आ गया 0.03, ये आ गई ए 0.03। सिमिलरली इन दिस वी हैव ओनली पी बी सोल्व द प्रॉब्लम क्या करेगा इसके, ये सारी कितनी है पी बी की प्रोबेबिलिटी, पी बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.10, तो ये कितनी है 0.02, इसमें से एक घटा माइनस कर दो, ओनली पी बी सोल क्या आएगा 0.10 माइनस 0.02 ये हो गया 0.08, ये क्या आ गया ये आ गई 0.08। ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो सोल्व करने की कितनी है 0.03, बी की कितनी है 0.08, इंटरसेक्शन की कितनी है दोनों की 0.082, ये आ गया। अच्छा अब फॉर्मूला क्या है कि मेरा ये पूछ रहा है कि बोथ नॉट क्वालिफाई, अब देखो ओनली ए जो प्रोबेबिलिटी सिर्फ ए ही सोल्व कर सके 0.03, बी ही सोल्व कर सके 0.08, और दोनों सोल्व कर रहे हैं 0.02 क्वालिफाई कर रहे हैं। और अच्छा ये जो एरिया है ये ब्लैंक है, ये सर्किल से बाहर है, इनके वेन डायग्राम से ये बाहर है सर्किल से, तो ये है नॉट ए एंड नॉट बी, ये सारा कितना है नॉट ए एंड बी, इट इज क्लियर भाई। अच्छा अब सवाल में क्या आ रहा है कि बोथ नॉट क्वालिफाई, क्या है बोथ नॉट क्वालिफाई, देखो बोथ नॉट क्वालिफाई, देखो भाई ए की कितनी है 0.03, बी की कितनी है 0.08, और इसी कितनी है 0.02, अब इसमें क्या आ रहा है बोथ नॉट क्वालिफाई क्या आ गया, सारी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 में से अगर ये घटा दो बाहर ही आ जाएगी, ये जो सोल ना हो रही हो तो क्या आ जाएगी बोथ नॉट क्वालिफाई में से 1 माइनस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.08, इसको सम कर दिया 3 to 5, 5 8 13, क्या आ गया 1 माइनस 0.13 इज इक्वल टू 0.87। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी बोथ नॉट इक्वालिफाई दोनों जो है क्वालिफाई ना कर सकें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.87, अंडरस्टैंड भाई, ठीक है। अब की क्या है एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई, उनमें से कम से कम एक सोल, कम से कम एक ये तो ए कर ले या बी कर ले, या तो ए कर ले या क्या कर ले बी कर ले, देखो उनमें से या तो ए कर ले या क्या कर ले बी कर ले, तो अब ये दो बार हो रहा, अब देखो 0.03 अगर टोटल में से, अगर क्या कर दूं टोटल में से
ये घटा दो एक बार में 0.02, तो यह क्या जाएगा ये कि या तो ए कर ले या क्या कर ले बी कर ले, या ए कर ले या बी कर ले, क्या गया एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई, कम से कम ये क्या दोनों भी कर सके या एक भी कर सके, तो क्या कर लेंगे देखो, तो ये दो बार रिपीट हो रहा है फिर 0.02, तो क्या टोटल कितना है 1 में से अगर 0.02 घटा दो, क्या ए भी कर सकता है, वो क्या कर सकता है बी भी कर सकता है, क्या है क्वेश्चन रब कर दो भाई। अच्छा क्या करते हैं बहुत अच्छा, ऊपर लिख लेता हूँ मैं इसका, नहीं ये नीचे क्या है एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई, ये तो ए हो गया, बी क्या हो गया एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक कर ले, उनमें से क्या कर ले एक कर ले, तो क्या कर ले 1 - 0.02 क्या हो गया 0.98, यानी या तो ए कर सके या बी कर सके या दोनों ही कर लेंगे, तो यो ए जो तो ए कर ले, यो ये कितना कर ले बी कर ले, दोनों में से सारा कितने है टोटल प्रोबेबिलिटी एक, तो एक में से ये घटा दो, ये दो बार रिपीट हो रहा है तो क्या 0.02, तो एक भी कर लेगा और बी भी कर लेगा। अच्छा फिर क्या है एट लीस्ट ओनली Only one of them qualify, सिर्फ उसमें से एक ही क्वालिफाई करे, क्या करे भाई सिर्फ इसमें से एक ही क्वालिफाई करे, सिर्फ उसमें से क्या करे एक ही क्वालिफाई करे, या तो एक करे या बी करे, या तो ए करे या बी करे, अब देखो सेंस समझो इसमें क्या है, या का मतलब क्या होता है प्लस, या का मतलब क्या होता है प्लस होता है, एक कितनी करे 0.08, बी ये कितना करे 0.03, दोनों कितना करे पी, अगर या की सेंस आ रहा हो हमेशा बता दो क्या होता है एडिशन होता है, अगर और की एंड की अगर वो आ रही है सेंस फीलिंग आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन, क्या है ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, सी क्या है ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, तो सबको क्या करेंगे प्लस क्या करें 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.2 या क्या 0.11 ये 0.08 है भैया 0.08 प्लस 0.0 प्लस 0.02 ये तो क्या आ गया 0.11, क्या आ गया ये 8 और 3 11 11 2 13 0.3 क्या आ गया 13 है, क्या है 0.13, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ गई, द प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई दोनों की तीनों की कि एट लीस्ट वन ओनली ऑफ देम क्वालिफाई, उनमें कम से कम एक कर सके, तो एक कर ले एट लीस्ट कम से कम एट सीधी ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, ओनली सिर्फ एक क्वालिफाई करे, यानी या तो ए करे या बी करे, दोनों ना करे या ए करे या बी करे, दोनों क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये वाला बेटा ये बी और दोनों का हिस्सा ये, तो क्या कहते हैं ओनली, तो आंसर क्या आ गया 0.13, क्या आ गया 0.13, ठीक है भाई आगे बात समझो इसको उतारे, देखो एक बार और समझो, देखो राम और श्याम जो है एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो राम की जो प्रोबेबिलिटी है सोल्व करने की वो कितनी है 0.05, और श्याम की जो प्रोबेबिलिटी है एग्जामिनेशन की उसकी सोल कितनी प्रोबेबिलिटी है वो है 0.10, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सोल करने की प्रोबेबिलिटी है कितनी है 0.02, इनका मैं एक वैन डायग्राम से समझ लेंगे, जैसे मान लिया ये तो प्रोबेबिलिटी है ए की, ये सारी है ए की प्रोबेबिलिटी है, जो ए की सोल करने की प्रोबेबिलिटी है, ये सारी कहें की प्रोबेबिलिटी है बी के सोल करने की, जो प्रोबेबिलिटी है ये सारी कहें की प्रोबेबिलिटी है ए के सोल करने की, ये सारी कहें की प्रोबेबिलिटी है ये बी के सोल्व करने की, इसमें से दोनों से क्या चीज़ है इसका, ये कॉमन है इन दोनों की, ये इंटरसेक्शन की है, जो ये हिस्सा है ये जो ब्लैंक हिस्सा है ये दिखा रहा है कि सिर्फ ए का क्या है ए का, ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो सोल्व करने की सारी जो प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी 0.05, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी आए हो 0.05 में क्या है कॉमन कितना है 0.02, अगर 0.05 मतलब 0.02
टू घटा घटा देंगे, ये प्रोबेबिलिटी ब्लैंक किया जाएगी, सिर्फ ओनली पी ए सोल्व द प्रॉब्लम, ओनली पी ए सोल्व द प्रॉब्लम। सिमिलरली इन दिस वी हैव दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सोल्व द प्रॉब्लम द क्वालिफाई द एग्जामिनेशन पी बी इज इक्वल टू है 0.010, ये रही 0.0, ये रही 0.010, एंड दिस ब्लैंक स्पेस शो ओनली दैट द एरिया इज ओनली द सोल्व द प्रॉब्लम पी बी प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी द सोल्व द क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इट इज वी हैव टोटल इज दैट इज 0.110 एंड 0.10 इज द कॉमन इंटरसेक्शन बी सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओनली प्रोब द सोल्व द क्वेश्चन इनकी 0.110 माइनस के 0.02 दैट इज सोल्व इज 0.08। अब फिर है बोथ नॉट क्वालिफाई, बोथ नॉट क्वालिफाई की नॉट ना तो ए ना तो कितना कर सके ना तो जो है ए कर सके ना ही बी कर सके ना तो बी ना ना तो ए और ना ही बी। अच्छा ये टोटल जो ये ब्लैंक स्पेस है ना तो ए की प्रोबेबिलिटी है ना बी की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है वन, वन में से क्या घटा दूँ इसको सारी को घटा दूँ, वन में से क्या घटा दूँ इसको सारी को घटा दूँ, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये ब्लैंक स्पेस आ जाएगा ये वाला, इसके जो वेन डायग्राम की जो सर्कल से बाहर है कि द प्रोबेबिलिटी है ये जो प्रोबेबिलिटी है एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई की दोनों में से एक क्वालिफाई कर रहा है। फिर क्या है बोथ ऑफ नॉट क्वालिफाई कि दोनों नहीं क्वालिफाई करे बट नॉट क्वालिफाई, दूसरा क्या है फिर एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई की इनमें से कम एक क्वालिफाई कर रहा है उनमें से, या तो एक ये क्या कर रहा है इनमें से एक क्वालिफाई कर रहा है, एक क्वालिफाई यानी ए कर रहा है या बी कर रहा है, तो जो ये टोटल दोनों क्वालिफाई कितना कर रहे हैं 0.02, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है एक, एक में टोटल करते तो ए करेगा या बी करेगा। फिर है ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई सिर्फ उसमें से एक या तो ए कर रहा है या बी कर रहा है, यानी एक एक मतलब इस सेंस से पता लग रहा है कि प्लस और या, तो इसकी ए की प्रोबेबिलिटी या कॉमन और ये तीनों जोड़ देंगे या आंसर आ गया 0.13, क्या आ गया 0.13। ठीक है अंडरस्टैंड, इसको तोड़ फिर रब करते हैं। ठीक है है इफ एम एंड ऑन आर टू इवेंट और इफ एम एंड एन आर टू इवेंट, ये क्वेश्चन है मेरे एम एन आर टू इवेंट्स हैं विद द वन ऑफ देम क्या है इफ एम एंड आर टू इवेंट if m and r n two event which shows yeah which represent the probability which show the probability of occurrence
of occurrence at least one of them. At least one of them. At least in exactly. Exactly. Exactly one of them. Then ये कौन सी क्वेश्चन होगी? ये ए है, क्या है? पी ए पी एम प्लस पी एम प्लस पी एन माइनस टू पी एम इंटरसेक्शन एन. एक तो ये हो गया. मतलब नंबर बी क्या होगी? बी प्रायोरिटी क्या होगी? पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन. ये होगी. सी होगी पी एम बार प्लस पी एन बार माइनस टू पी एम इंटरसेक्शन एन बार. ये होगी. सी क्या होगी? डी क्या होगी? पी एम इंटरसेक्शन एन पी एम इंटरसेक्शन एन प्लस पी प्रोबेबिलिटी एम बार इंटरसेक्शन एन. ये होगी. देखो ये दो जो है प्रायोरिटी है. मान लिया एम एम एंड एन आर इवेंट. दो इवेंट हैं. ये कैसे इवेंट हैं? ये कि जो शो दैट द एक की प्रायोरिटी मान लिया पी एम है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है एन है. इस तरह का शो है ये. इस तरह का है ये. ये इसकी मान लिया है प्रायोरिटी तो एम है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है एन है. और इन दोनों का ये सेट है. इन दोनों का जो ये है एम इंटरसेक्शन एन. ये कितना है? एम इंटरसेक्शन एन है. ये क्या है? इनकी एम इंटरसेक्शन एन है. तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ये एम इंटरसेक्शन है. इसकी जो है ओनली ये वही है इस शो क्या तो ओनली एम. ये शो क्या है? ओनली एन है. ये ओनली एन है. ये क्या है? दोनों यूनियन. ये क्या है? ये क्या है? ये कॉमन है. इस तरह है. अच्छा ये पी एम डैश ये बाहर का जाएगी जब ना तो पी एम डैश यानी जो पी एम ना हो. पी एम डैश ये क्या प्रोबेबिलिटी है पी एम डैश कि जो प्रोबेबिलिटी एन ना हो. अच्छा पी एम इंटरसेक्शन पी सारे जो है यूनियन है. सारा क्या है? ये इनमें दिखाना है कि कौन सा सही होगा. कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? अच्छा अब ये अगर ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा होगा एम इंटरसेक्शन एन डैश जो एम और एन में ना हो. एम और एन में ना हो वो हिस्सा होगा. क्या होगा हिस्सा है? इसके अंदर क्या होगा हिस्सा जो एम और एन में ना हो? जो एम बार इंटरसेक्शन एन एन बार ये हिस्सा होगा. अब मुझे इन चारों में ये पता लगाना है कि ये पी एम प्लस पी एन माइनस टू पी एम इंटरसेक्शन एन फिर या पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन या
पी एम डैश पी एम बार प्लस पी एम बार माइनस पी टू पी एम इंटरसेक्स एम बार इंटरसेक्शन एन बार या पी एम इंटरसेक्शन एन बार प्लस पी एम बार इंटरसेक्शन एन, ये चारों में से कौन सा सोल होगा, चारों में से कौन सा आंसर इसमें से सही है, या चारों में से कितने आंसर सही है। ठीक है, अब इसको सोल्व, इसको प्रॉब्लम को तुम जो है इसे घर से करके बताना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कल को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई, टाइम भी हो गया है तो इसका प्रॉब्लम जो है कल सोल्व करेंगे। अब फिर समझ आ गई ना भाई, अब एम एन आर दो इवेंट हैं, दो इवेंट कैसे इवेंट है कि जैसे आर टू इवेंट किसकी किसको रिप्रेजेंट कर लिया, कितनी दो प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्टली दो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी को, तुमने देखना है कि कौन सा सही है, पी एम सही है, ये वाला सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है, या चारों सही है, या चारों गलत है, नन ऑफ दैट। इस तरह के भी आ जाता है कि एग्जाम में जब आईटी में आता है आ जाता है कि इनमें से कौन सा ठीक है, इनमें से ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, बी सही है, और नन ऑफ दैन सही है। ठीक है भाई, इसको इसको वेन डायग्राम से इसको समझेंगे। जिस पर मान लिया बताया था मैंने, ये सारा जो है एम की है, ये सारा क्या की है, एन की है, इन दोनों में क्या है सोलह इंटरसेक्शन है, ये जो हिस्सा है ये ना तो एम में है, ये ना एन में है, तो एम में नहीं है, एम इंटरसेक्शन एन, एम इंटरसेक्शन के आगे ये हिस्सा आ गया, ये एम इंटरसेक्शन आगे बस नहीं, ये एम बार, एम बार का वो हिस्सा जो एम में नहीं है। ठीक है भाई, इसे कल को कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आई कल देखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।